देख ही लिया कि हिंदुस्तान में किस तरह की जिल्लत का सामना करना पड़ा बिलावल भुट्टो को। अपने आप को खान कहलाता है यार। इस बेवकूफ को जाने की क्या जरूरत है? लेकिन इस बेवकूफ को जाने की क्या जरूरत है? इमरान मुकाबला करो, गैरत है तो मुकाबला करो। पाकिस्तान का मसला क्या है? नियत हमारी बहुत गंदी है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनकी नियत खराब है। लानत है तुम लोग पे, लानत। कैसे हो मेरे किटकैट्स? आई होप अच्छे ही होगे। मैं भी अच्छी हूँ। क्या बात कर रहे हैं? वैसे तो बात करें पाकिस्तान की तो उनके पास कुछ भी नहीं है। नील बटा नील, न कल था न आज है न मुस्तकबिल में कभी होगा। अच्छा। लेकिन कुछ चीजें हैं जिन पर उनका हक है, जो उन्होंने ही इजाद की है। मैं नहीं मानता। तो मैं वो कुछ वर्ड्स, कुछ लाइन है जो कि लोग कमेंट में बताते हैं ये मेरे टैलेंट नहीं है। गजब डूबी बाज आदमी। पाकिस्तानी कौम में सहूर नहीं है। तब आवाम में शहूर नहीं था। सहूर आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। धीरे धीरे सहूर आ चुका है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा कहाँ आ चुका है। कूड़े के डब्बे में। पाकिस्तान एक एटमिक पावर है। एटमिक ताकत। हम न्यूक्लियर पावर हमने ऐसे ही नहीं देखना, हमने चलाने के लिए रखा हुआ। कितनी बेहिसी है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। पाकिस्तान सुपर पावर है। पाकिस्तान इंशाल्लाह को रहा है और इस पर सुपर पावर बनने जा रहा है। बोले बाबा। पाकिस्तान तरक्की की राहों पर चलने के लिए नहीं बल्कि दौड़ने के लिए भरपूर तैयार है। तुम्हें कब से क्या? पाकिस्तान इस एशिया का किंग है। आर यू कॉमेडी? ये जो आप लोगों पे खशी और पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं ना, आप अपने आप को कंट्रोल करो। इंशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभानअल्लाह। पाकिस्तानी कौम कलमा गो है। कलमा गो, हम कलमा गो है। पाकिस्तान की फौज नंबर वन है, समझ रहे हो? किसमें? जनरल बाजवा, आपने गलती कर दी। इन्होंने हमारे ऊपर जो जुल्म किया, मुझे उन्होंने जेल में डाला। मैंने कहीं इस तरह का जुल्म नहीं देखा जो ये जनरल बाजवा ने हमारे पे करवाया। पाकिस्तानी मीडिया नंबर वन है, पता नहीं किसमें। टॉप क्लास आपने देखना है मीडिया वर्ल्ड का, तो यहाँ पाकिस्तान में आपको मिले। हमारे मुल्क से हमारे मुल्क का जो टैलेंट इस्तेमाल नहीं हुआ, अफसोस ही किया जा सकता है इस बात पे। हजरत कायदे आजम का ये सपना था। हजरत कायदे आजम ने कहा था। कैसे बना था पाकिस्तान? पाकिस्तान के माबेन 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 माबेन। मजा आया, उड़ गया मैं तो, अब खत्म हो गया यार मैं तो। पाकिस्तान अजीम बनेगा इंशाल्लाह। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह के मकबूजा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तानी लोग मरने और मारने से नहीं डरते, इनकी तो असल जिंदगी ही मरने के बाद शुरू होती है। लड़ने और मरने से हम नहीं डरते, हमारा तो ईमान ही है कि असल जिंदगी ही मौत के बाद शुरू होती है। जिंदा रहकर तुम क्या उखाड़ रहे हो? भूखे मर रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज की इनके पास जज्बा है। जज्बा ईमानी है। ये जज्बा है, इसको कोई खरीद नहीं सकता, दबा नहीं सकता, दबा नहीं सकता, कम नहीं कर सकता। लेकिन वो दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ बोल बच्चन करने के लिए है। इनको गजवाए हिंद करना है। गजवा हिंद। पाकिस्तान पिछले 75 साल से नाजुक दौर से गुजर रहा है, बड़ी नाजुक सूरत हाल है। पाकिस्तान 76 साल की बदतरीन सियासी और माशी सूरत हाल से दो चार है। देश संकट में है। पाकिस्तान में जमहूरियत देखने को मिलती है, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। कभी भी इनके बोहरान खत्म नहीं होते। बोहरान मींस क्राइसिस, आटा बोहरान, चावल, गेहूं, सब्जी, पानी, सब कुछ बोहरान। पाकिस्तान में जो जारी सियासी और माशी बोहरान है, वरना ये बहुत कुछ हासिल कर सकते। ये कामयाबी की राह पे चल भी पड़े तो ठोकर खा के मुंह बल गिरेंगे नीचे। और हिंदुस्तान हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। क्यों भाई, हम तुम्हें मैली आंख से क्यों देखेंगे? हम तो सुबह उठकर ही धो लेते, तुम्हारी तरह नहीं। अगर इंडिया ने तुम्हारा पानी बंद कर दिया ना, तो तुम्हारी ये आंखें ही नहीं, तुम्हारी कोई दूसरी आंख भी मैली की मैली ही रह जाएगी। और भी कुछ है जो भूल गई हूँ वो आप याद दिला देना कमेंट में। ओके सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभानअल्लाह, यो यो किटो भाई। इस पर लोग बोलते हैं ये सिर्फ मेरा है, अगर किसी और ने बोला तो उसको कॉपीराइट दे दूंगा। अरे भाई। सर गजवाई हिंद कब होगा? जिस दिन पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा, जिस दिन पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, उस दिन समझ लेना गजवा हिंद हो गया। ओके साहब, हम किधर खड़े हैं? मस्जिदें वीरान है, ठीक है, मार्केटें आबाद हैं। हाय हाय, मस्जिदें वीरान है, सड़कें सुनसान है, जिंदगी पता नहीं घमासान युद्ध चल रही है। इन पाकिस्तानियों का दुख मेरे से देखा नहीं जाता यार। सर गजवा हिंद कौन से मुल्क के साथ होगा? गजवा हिंद तो जो है वो पूरी दुनिया में फैलेगा। रशियन रियासतें हैं, वहाँ से शुरू होता हुआ अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान,
और ये पूरी इस खित्ते को अपनी लपेट में लेगा। गजवा हिंद की बात कर अच्छा हाँ। सही होगा सर, अगर गजवा हिंद आज हो जाता है तो आप, अगर आप हो जाते तो आप पार्टिसिपेट करेंगे, आप हिस्सा लेंगे गजवा हिंद में? क्यों नहीं लेंगे, इंशाल्लाह बीएंगे मुस्लिम, जहाद करेंगे, नियत है, अल्लाह हमें मौका दे जहाद का तो हम जरूर करेंगे। चाचा एक थप्पड़ में जी निकल जाएगा। यही नहीं अभी और सुनिए, लाहौर बनेगा किट्टू राव का। आज गजवा हिंद अगर हो जाता आई थिंक आठ इस वक्त कंट्री हैं जो न्यूक्लियर पावर हैं, जिसमें एशिया में हम अपनी सानवी हैसियत रखते हैं और पूरी मुसलमान जो दुनिया है उसमें वन ऑफ देम है। मक्का मदीना वाले क्या करें, जॉब छोड़ दें, इनका कॉन्फिडेंस यार मानना पड़ेगा। बस लाइफ में किसी में कॉन्फिडेंस की कमी आ रही हो ना, कि भाई थोड़ा डीमोटिवेट हो रहा हो, स्ट्रेस आ रहा हो, या अपने आप को समझ रहा हो कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, जाहिल पाकिस्तानियों को देख ले, इनके पास खाने को आटा नहीं लेकिन बातें करवा लो इनसे बड़ी बड़ी, हर चीज में नंबर वन है ये। क्या समझते हैं आपके, क्या हम वाकई में ही ओरिजिनल मुसलमान है जो? नहीं देखिये हम तो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिये माह रमजान गुजरा है तो इस पूरे दुनिया में मुसलमान में देखें मस्जिदें आपको आबाद नजर आई हैं। अभी एक मिनट पहले बोला मस्जिदें वीरान है, मस्जिदें वीरान है, अभी बोल रहा आबाद हो गई, मस्जिदें आपको आबाद नजर आई हैं। कहना क्या चाहते हो यार, दिमाग घुमा देते हैं ये। और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से। कोई मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को, कोई आखिर पगार? आपने आजकल की महंगाई के बारे में कुछ पूछा ही नहीं। आज आम आदमी जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रहा है, यकीन करें आम आदमी के घर में आटा नहीं है। अगर गंदम का सरकारी रेट 4000 है तो ब्लैक में 4600 में बिक रही है, चावल आम आदमी खा नहीं सकता, 300 प्लस पे चावल है। आज आप जो खरबूजा 20 रुपए किलो होता था आज खरबूजा 100 रुपए किलो है। इसी तरह आम जो भी रोजमर्रा की एक आम चप्पल हम बाटा से 100 रुपए की लेते थे आज वो चप्पल 2000 रुपए की है। आज जो शर्ट आप छोटे होते आप लेते थे 100-200 रुपए की आज वो 1500-2000 रुपए की है। और खासकर जो सरकारी मुलाजम है जिसकी तनख्वाह उस वक्त 70 रुपए लीटर पे भी थी और उसकी तनख्वाह जो घी है वो 80 रुपए किलो था। शुरुआत में तो गजवा हिंद की बात कर रहे थे, लास्ट में आते आते बोल रहे हैं महंगाई के लिए तो पूछ लो। जब से उनके दादा थे मीन तब पाकिस्तान बनाई होगा, तब से लेकर आज तक महंगाई बढ़ती जा रही है। इनका जो मुल्क है वो नाजुक दौर से निकल ही नहीं रहा है, तो ये बने क्यों थे मुझे समझ में नहीं आता यार, जलील होने के लिए पैदा हुए थे क्या तुम? देखा आपने लापरवाही का नतीजा, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है यार, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये बस तबाह होगा और उस दिन मेरे को बड़ी खुशी होगी। आज का वीडियो बस इतना ही, आपके क्या थॉट्स हैं इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना, लव यू माय किटकैट्स।